हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जस्ट अ ग्लिम्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनिका। उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और इसी के साथ मैं एक ऐसी मूवी रिव्यू करने वाली हूं जो मुझे लगता है टॉलीवुड से ज़्यादा बॉलीवुड में बननी चाहिए थी। वो मूवी है मोस्ट एलिजिबल बैचलर। अब मैंने ऐसा क्यों बोला ये बॉलीवुड में बननी चाहिए थी, ये आप लोग कुछ ना कुछ समझ गए होंगे, पर इसमें मैं पूरी क्लैरिटी आपको अपने रिव्यू में दूंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब करें, और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और लाइक एंड शेयर भी क्यों करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ये भी आपको मेरे रिव्यू के बाद पता चलेगा। तो अब बात करते हैं मूवी की। मूवी में मोस्ट एलिजिबल बैचलर के डायरेक्टर हैं हमारे भास्कर, और इसमें कास्ट में आपको दिखेंगे अखिल, उनके साथ में को पार्टनर में हैं इनके साथ पूजा हेगड़े, और जो थोड़ा साइड रोल्स में उनने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उनमें से दो का नाम मैं यहाँ ज़रूर लूँगी, जो कि है मुरली शर्मा और सुधीर। अब इन चारों का जिनका मैंने नाम लिया है, तो एक्टर एक्ट्रेस का नाम क्यों लिया है सब जानते हैं, और बाकी दो लोगों का नाम क्यों लिया है ये भी आपको रिव्यू में पता चलेगा। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारा अखिल जो है, जिसका नाम हर्षा है मूवी में, वो US में जॉब करते हैं किसी कंपनी में। अब भाई मोस्ट एलिजिबल बैचलर वो खुद को समझते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर शादी करनी है तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए बहुत अच्छी नौकरी का, जो कि उनके पास है, और वो इसके साथ बहुत फोकस्ड है। और वो शादी करने आते हैं इंडिया से, क्योंकि इंडियन लड़कियाँ ऑब्वियसली कुछ भी कहो फॉरेनर्स को मात देने के लिए तैयार, और ये हम सब जानते हैं। तो वो आते हैं इंडिया, और 20 दिन, मतलब 20 दिन में उन्हें लगता है कि वो लड़की चूज़ भी कर लेंगे और शादी भी कर लेंगे। शादी तो मजाक है, 2 मिनट का मैगी नहीं है, पर 20 मिनट है, मतलब 20 दिन है उनके पास। अब वो कैसे इस मैगी को बना के खाने वाले हैं 20 दिन में, ये आपको पता चलेगा मूवी में। भाई मूवी में वो आते हैं इंडिया और वो लड़कियां देखना चालू करते हैं। वहाँ पे वो मिलते हैं पूजा हेगड़े से, जिसका नाम मूवी में है विभा। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, और साथ में उनकी कॉमेडी भी बहुत अच्छी है, पर उनके साथ मेन कॉमेडी में जो आए हैं वो है सुधीर, जिनने अपनी कॉमेडी से थोड़ा मूवी में जान ज़रूर डाल दी है। अब वो चालू करते हैं उनके इंटरव्यूज़ जॉब के नहीं हैं, लड़की देखने के हैं। अरेंज मैरिज, अगर आप भी बैचलर हैं ना तो यहाँ पे ज़रूर जान लीजिएगा कि क्वेश्चंस क्या पूछने और क्या नहीं पूछने हैं। जैसे वो 3 लड़कियों से मिलते हैं, और उसमें एक से वो पूछते हैं कि भाई सनराइज़ और सनसेट, तो ये क्वेश्चन कभी मत पूछना किसी लड़की से। साथ ही इडली वड़ा सांभर, मतलब भूख लगी है खाना खाने आए हो कि क्या, मतलब और क्या। और साथ में थिंक डर्टी, मार पड़ेगी किसी लड़की को बोला थिंक डर्टी तो वही मारेगी। ऑब्वियसली सब जन मॉल में ही मिलने जाते हैं अरेंज मैरिज में लड़की देखने, मॉल में बहुत जूते पड़ेंगे भाई, मत खाना ऐसे जूते। और भी क्या क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है ये आपको मूवी में पता चलेगा। पूजा हेगड़े जो कि विभा हैं, उनको वो ऑब्वियसली उन्होंने लाइक करना ही था, और लड़की को उन्हें रिजेक्ट करना ही था, तभी तो मूवी आगे बढ़ेगी। रिजेक्शन की साइकिल चलती जाती है, उनकी इमेज खराब होती जाती है। अब इमेज खराब होने का जो सीक्वेंस है ना, वो इंडिया आने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो कस्टम ऑफिसर है वो कौन है, वो है हमारे विभा के पिताजी यानी मुरली शर्मा। तो मुरली शर्मा की एक्टिंग इसमें बहुत बहुत अच्छी है, और उनकी एक्टिंग ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। और एज अ स्ट्रिक्ट फादर वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़की की ऐसे लड़के से शादी हो जिसके पास से सेक्स टॉयज मिले, तो प्लीज़ ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसी वजह से उनकी इमेज खराब हो चुकी है, और लड़की भी उन्हें रिजेक्ट कर देती, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़के को पता नहीं है क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। शादी करना आसान है, सिर्फ मैरिज से कुछ नहीं होता, मैरिज लाइफ के भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। लंबी जर्नी है भैया ज़िंदगी के बाकी के साल किसी लड़की के साथ निकालने एक घर में, जहाँ पे 2 तलवारें एक मीनार में नहीं रह पाती, 2 लोग साथ में कैसे रह लेंगे अलग अलग नेचर के। तो ये हमको मूवी में पता चलेगा कि हमारी पूजा मतलब विभा का क्या लाइफ के लिए क्राइटेरिया है, या मैरिज लाइफ के लिए क्या क्राइटेरिया है। मूवी इन ऑल टोटल, मैंने जो बोला था टॉलीवुड की जगह बॉलीवुड में बननी चाहिए, अब उस सवाल का आपको जवाब देते हो भाई, हमारे सल्लू भाई को क्यों भूल गए, ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर टॉलीवुड में, तो सब निपट गए हैं अभी तक। अब मैं सल्लू भाई के लिए तो यही बोलूँगी कि जॉब सब कुछ है यार, बस शादी कब होगी उनकी, ये सवाल उनसे हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, पर किसी के पास इसका जवाब नहीं है। तो टॉलीवुड वाले भी प्लीज़ ये बॉलीवुड को जवाब देने दे। अब बात होती है कि मैंने बोला कि आपको मूवी क्यों अच्छी लगनी चाहिए। मूवी अच्छी है मतलब ओके ओके है, सब कुछ ठीक था मूवी में, अच्छा क्या है,
उन सारे बैचलर्स और दुखियारों को बहुत अच्छी लगेगी जो कि अरेंज मैरिज के लिए हर वीकेंड का प्लान यही करते हैं कि कौन से मॉल में लड़के या लड़की से मिलने जाना है। वो बहुत बड़ा दुखदायी गेम होता है। और सबसे बड़ी चीज़, लड़कों के लिए सबसे पेनफुल क्या होता है, अरे जिस लड़की से मिलने आते हैं ना उसको खिलाने का पैसा भी उन्हें ही देना पड़ता है। लड़की से तो मांग नहीं सकते, इज्जत का सवाल है, तो क्या होगा। इस चक्कर में बेचारे कंगाल हो जाते हैं लड़की देख देख के। तो अगर आपको जानना है कि मूवी में तो ये पता चल जाएगा कि लड़की से कौन से सवाल पूछने हैं और क्या करना है, पर मैरिड लाइफ का मेन क्राइटेरिया क्या है ये कॉन्सेप्ट आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो मैरिड लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानना है तो प्लीज़ जाके मोस्ट एलिजिबल बैचलर एक बार देख लो। अच्छी मूवी है एंड बहुत अच्छा है। और जैसा मैंने कहा, एक्टिंग सबकी, अब टॉलीवुड में तो बात करें तो एक्टिंग की बात कर सकते हैं, एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी करी है, स्पेशली पूजा हेगड़े ने एक्टिंग बहुत अच्छी करी है। तो यहाँ पे मैं सच बता रही हूँ कि मैरिड लाइफ के लिए क्या होना चाहिए, और आप भी मुझे सच बताएंगे कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लग रहा है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।